ज्यादा बकवास ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने चैप्टर में जिसका नाम है जल संसाधन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह है कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो इसमें हमें यही करना है कि जल की कमी से कौन से प्रभावित होते हैं और कौन से अप्रभावित होते हैं, उन्हें हमें चयन करना है। तो चलिए, हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें तो हमारा कोई अप्रभावित नहीं होगा। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र, इसमें कोई अप्रभावित नहीं होगा। ठीक, फिर आगे चलते हैं। तो हमारा ख नंबर है वो है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये जल की कमी से प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या की अधिकता दी गई है। ग वाले में है अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। भाइयों, जब अधिक वर्षा होगा और वह प्रदूषित हो जाएगा तो हमारे वर्षा होने के क्या फायदा, तब भी तो हमारे जल की कमी ही रहेगी। तो ये भी जो है ये जल की कमी से प्रभावित है। फिर उसके बाद कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र, ये तो सिंपल है कि जल की कमी से ये प्रभावित है। तो अतः हमारे जो जो ये पहला है क वाला, ये अप्रभावित है। बाकी जो तीनों है ये सब जल की कमी से प्रभावित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशी नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है बहुउद्देशी परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ये भाई बहुत सही बात है, बहुउद्देशी परियोजनाएं उन्हीं क्षेत्रों में जल लाती है जहां पर जल की कमी रहती है, इसलिए इन्हें बहुउद्देशी परियोजना इसलिए बनाई जाती है जहाँ जल की कमी होती है, जब जल की कमी को पूर्ति करने के लिए बहुउद्देशी परियोजनाएं बनाई जाती हैं। तो ख वाला हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं, बहुउद्देशी परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू करती हैं, ये भी भाई इसके पक्ष में है। फिर ग है बहुउद्देशी परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बहुउद्देशी नदी परियोजनाओं में। तो घ वाला जो है बहुउद्देशी परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं, ये भी सही बात है। तो सब कुछ मिलाकर हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, ग ग वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें गलती पहचाने और दोबारा लिखें। तो पहला ऑप्शन जो है वो है क, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। तो भाइयों, हमारा इसमें जो गलत है वह है कि सही उपयोग में मदद की है, यही हमारा जो है ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही सही क्या होगा कि शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के अतिशोषण किए हैं तथा जल की कमी हुई है उससे। तो हमारा जो ख वाला है वो है नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता, ये यहीं पर गलत है कि प्रभावित नहीं होता, यहाँ पर बहुत प्रभावित होता है उससे बांध वगैरह जो होते हैं। नेक्स्ट है, गुजरात में साबरमती बेसिन पे सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। वहाँ पर किसान इतने उपद्रव मचा रहे थे, मतलब एकदम क्रोधित हो चुके थे, आग बबूले हो चुके थे, बहुत भड़के हुए थे। घर वाला, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है, ये भी गलत है, वहाँ पर छत वर्षा जल का प्रयोग बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो इसका उत्तर है हमारा, जल एक नवीकरणीय योग्य
संसाधन है क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इनकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है किंतु समाप्त नहीं होता। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है? इसका जो हमारा उत्तर है वो है कि जल की विशाल भंडार तथा नवीकरणीय गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, बढ़ती जनसंख्या, जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए, अतः अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का शोषण करके सिंचित क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। सेकंड पर है, जल का असमान वितरण। भारत में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है, ऐसे क्षेत्र में भी जल दुर्लभता या जल की कमी देखी जा सकती है। थर्ड नंबर पर आते हैं, निजी कुएं या नलकूप। बहुत से किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूपों की सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, किंतु इसके कारण लगातार भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। फिर इसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो है वो है औद्योगिकीकरण। स्वतंत्रता के बाद हुए औद्योगिकीकरण के कारण भारत में अलवणीय जल संसाधनों का दबाव बढ़ गया है। उद्योगों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसकी पूर्ति जल विद्युत से की जाती है, इस कारण भी जल की कमी का सामना करना पड़ता है। तो हमारा ये क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानि की तुलना करें। तो इसका हमारा जो उत्तर है, नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत विद्युत उत्पादन तथा मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। इस परियोजना के कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। लाभ कुछ इस प्रकार है कि नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जा जाती अपितु इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिकी उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौसेना संचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। यह एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। हानियाँ, इसकी हानियां देख लेते हैं। नदियां पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहता है जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। यदि जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है, बांध नदियों को टुकड़े में बांट देते हैं जिससे जलीय जीव का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बने जलाशयों से वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टी जल में डूब जाती हैं। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है हमारा, राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीकी में हर घर में पानी पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक और टाका हुआ करते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है, इससे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता था जहां इसे एकत्रित किया जाता था। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा जल का संग्रह किया जाता था। टाका में जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में टांकों के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों में भी ठंडा रखता है जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहित की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारहमासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टाकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता।
ये हमारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप ध्यान से सिर्फ पढ़ते जाइए और समझते जाइए मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है? उत्तर है हमारा, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रह ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय स्थानीय परिस्थितियों और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के बहुत घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टाँकों का निर्माण किया जाता है। इनमें वर्षा के जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की हुई है। मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस के द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। तो भाई ये देख लीजिए आप, ये कितना पुराना रीति अपनाया जा रहा है। अभी तक हमारी भारत की जो संस्कृति है और जो पुरानी यादें हैं भी बाकी हैं। तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले, खदीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल और कुल जैसे वाहिकाएं नदी धारा का रास्ता बदलकर खेतों की सिंचाई के लिए लगाई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल का वाहिकाएं बनाते हैं। यही तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किए जा रहा है। तो भाइयों हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।